नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मई के महीने में पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली 10 कॉम्पैक्ट SUVs के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए, चलिए शुरू करते हैं। टेंथ पोजीशन पर आई है होंडा की WRV। इस गाड़ी की मई के महीने में पूरे भारत के अंदर 192 यानी 192 यूनिट्स बेची गई है। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों फ्यूल ऑप्शंस में अवेलेबल है, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और एक शोरूम के हिसाब से ये गाड़ी आपको 8.77 लाख रुपीस टू 11.17 लाख रुपीस तक की मिल जाएगी। नाइन्थ पोजिशन पर आई है महिंद्रा की XUV300। इस गाड़ी की मई के महीने में पूरे भारत के अंदर 251 यानी 251 यूनिट्स बेची गई है। ये गाड़ी भी पेट्रोल और डीजल दोनों फ्यूल ऑप्शंस में अवेलेबल है, मैनुअल और MT ट्रांसमिशन के साथ। और एक शोरूम के हिसाब से यह गाड़ी आपको 7.96 लाख रुपीस टू 13.09 लाख रुपीस तक की मिल जाएगी। एट पोजीशन पर आई है टोयोटा की अर्बन क्रूजर। इस गाड़ी की मई के महीने में पूरे भारत के अंदर 373 यानी 373 यूनिट्स बेची गई है। ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। और एक शोरूम के हिसाब से ये गाड़ी आपको 8.63 लाख रुपीस टू 11.41 लाख रुपीस तक की मिल जाएगी। 11th पोजीशन पर आई है फोर्ड की इकोस्पोर्ट। इस गाड़ी की मई के महीने में पूरे भारत के अंदर 503 यानी 503 यूनिट्स बेची गई है। ये गाड़ी भी पेट्रोल और डीजल दोनों फ्यूल ऑप्शंस में अवेलेबल है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। और एक शोरूम के हिसाब से ये गाड़ी आपको 8.19 लाख रुपीस टू 11.70 लाख रुपीस तक की मिल जाएगी। 6th पोजीशन पर आई है निसान की मैग्नाइट। इस गाड़ी की मई के महीने में पूरे भारत के अंदर 1200 यानी 1200 यूनिट्स बेची गई है। ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल है, मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन के साथ। और एक शोरूम के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5.59 लाख रुपीस टू 9.90 लाख रुपीस तक की मिल जाएगी। 5th पोजीशन पर आई है रेनॉल्ट काइगर। इस गाड़ी की मई के महीने में पूरे भारत के अंदर 1326 यानी 1326 यूनिट्स बेची गई है। ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल है, मैनुअल, CVT और MD ट्रांसमिशन के साथ। और एक शोरूम के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5.64 लाख रुपीस टू 10.08 लाख रुपीस तक की मिल जाएगी। 4th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी की विटारा ब्रीजा। इस गाड़ी की मई के महीने में पूरे भारत के अंदर 2648 यानी 2648 यूनिट्स बेची गई है। ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। और एक शोरूम के हिसाब से ये गाड़ी आपको 7.51 लाख रुपीस टू 11.42 लाख रुपीस तक की मिल जाएगी। 3rd पोजीशन पर आई है ह्युंडई की वेन्यू। इस गाड़ी की मई के महीने में पूरे भारत के अंदर 4840 यानी 4840 यूनिट्स बेची गई है। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों फ्यूल ऑप्शंस में अवेलेबल है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। और एक शोरूम के हिसाब से ये गाड़ी आपको 6.92 लाख रुपीस टू 11.77 लाख रुपीस तक की मिल जाएगी। 2nd पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन। इस गाड़ी की मई के महीने में पूरे भारत के अंदर 6439 यानी 6439 यूनिट्स बेची गई है। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों फ्यूल ऑप्शंस में अवेलेबल है, मैनुअल और MD ट्रांसमिशन के साथ। और एक शोरूम के हिसाब से ये गाड़ी आपको 7.20 लाख रुपीस टू 12.96 लाख रुपीस तक की मिल जाएगी। 1st पोजीशन पर आई है किया सोनेट। इस गाड़ी की मई के महीने में पूरे भारत के अंदर 6627 यानी 6627 यूनिट्स बेची गई है। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों फ्यूल ऑप्शंस में अवेलेबल है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। और एक शोरूम के हिसाब से ये गाड़ी आपको
6.19 लाख रुपीस टू 13.35 लाख रुपीस तक की मिल जाएगी। तो ये थी मई महीने की टॉप 10 सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवीज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।